गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। इन दिस स्टोरी आर के नारायण ब्यूटीफुली डिस्क्राइब डेली रूटीन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। लेट्स रीड। पंचली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट मतलब जिससे व्यवसाय चलाया जाता है। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉरी सेल्स, आई स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। रोज पंचुअली एट मिड डे, दोपहर को वह अपना बैग खोलता था और अपने व्यवसाय के सारे सामानों को फैला देता था, जिसमें होता था ऑफ अ डजन कॉरी सेल्स, एक दर्जन कौड़ी सेल्स, आई स्क्वायर ऑफ क्लॉथ एक चौकोर कपड़ा विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और जिसमें कुछ रहस्यमय तरीके का एक चार्ट था, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग। पामीरा ताड़ के पत्ते को बोलते हैं, जिसमें भविष्य वगैरह लिखा जाता है, कुंडली वगैरह। हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सेकर्ड एस एंड वर्मिलन। उसका मत्था रंगा रहता था पवित्र राख से और वर्मिलन सिंदूर को बोलते हैं। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, जो बहुत ही पैनी दिखाई देती थी। बिल्कुल लगता था जैसे अबनॉर्मल है, जो नॉर्मल तरीके की नहीं थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, और ऐसा लग रहा था लगातार कस्टमर्स की तलाश के कारण देखते रहने से वो बाहर निकली आ रही हूँ। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल कम्फर्टेड, लेकिन उनके साथ उसके साधारण से क्लाइंट्स हल्का सा भी प्रकाश में थोड़ा सा भी आराम पाते थे तो वो उसके पास आते थे। द पावर फॉर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहांस्ड बाई देयर पोजिशन, और उसकी आंखों की शक्ति उसकी जगह को के अनुसार सुटेबल थी। प्लेज एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोर हेड एंड द डार्क विस्कर्स, जो कि लगी हुई थी रंगे हुए मथे और लंबे लंबे कलम के पास में बीचों बीच में। विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उसकी बालों की कलम थी वो उसके गालों तक लटक रही थी। इवन अ हाफ बीट्स आईज वुड स्पार्कल्ड इन सच अ सेटिंग, और ऐसी सेटिंग पर भी उसकी आंखें चमकती थी बुद्धिमत्ता से। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफ्रन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, और मुकुट की तरह या मुकुट का प्रभाव डालती हुई एक पगड़ी वो अपने मथे पर धारण करता था, जो कि सैफ्रन केसरिया कलर की थी। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम हमेशा रहती थी, कभी भी नहीं बदलती थी। पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक्स, और लोगों की भीड़ उससे उतना ही आकर्षित होती थी जितना कि मधुमक्खियां कॉस्मोस और डहलिया के फूल को देख करके आकर्षित होती हैं। ही सेट अंडर द बोज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री विच प्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। वो बैठता था इमली के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के झुरमुट के नीचे, जो कि फैला हुआ था टाउन हॉल पार्क के रास्ते तक। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, यह कई तरीकों से उत्तम स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, एक लोगों का की भीड़ इस गली से या इस रास्ते से दिन रात आती जाती रहती थी, जो बहुत ही पतली थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक।
a variety of trades and occupations was represented all along its way. और कई प्रकार के व्यवसाय और व्यापारी वहाँ पर फैले हुए थे पूरे रास्ते पर, जिसमें मेडिसिन सेलर्स सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मेडिसिन एंड सॉरी मैजिशियंस एंड अबव ऑल, जिसमें दवाई विक्रेता स्टॉक मार्केट के स्टॉक में या चोरी से किए हुए कपड़ों सामग्री चोर बाजार जैसे बोलते हैं, और कबाड़ी की दुकान, जादूगर और भी बहुत कुछ, एंड एक्सनियर ऑफ चीप क्लॉथ्स। और जैसा आपने देखा बुध के बाजार या डेली जो वीकली मार्केट्स होती है वहाँ पे लोग कपड़े अपने दिखा दिखा कर चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, उन्हें एक्सनियर सेलर्स कहा जाता है। Who created enough din all day to attract the whole town? जो पूरा दिन बहुत आवाज करते हैं पूरे टाउन कस्बे को आकर्षित करने के लिए। Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnuts. और उसी के पास से बहुत ज्यादा शोरगुल आता है जो कि एक मूंगफली विक्रेता के पास से आता है। Who gave his wear a fancy name each day? जो अपनी सामग्री को प्रत्येक दिन एक नया और अद्भुत नाम देता है। पहले दिन calling it Bombay ice cream, one day, on the next day Delhi almond, and on the third Raja's delicacy. किसी दिन Bombay ice cream के नाम से, किसी दिन दिल्ली के बादाम के नाम से, और किसी दिन राजा के भोजन के नाम से। And go on and so forth and people flocked to him. और इस तरह उसका continue बिक्री चल करता रहता है और लोग उसके पास आते जाते रहते हैं। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. और इसमें से बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप लोगों की भीड़ astrologer के पास भी आती है। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. Astrologer की अपनी की स्वयं की कोई का प्रकाश नहीं है, वो पास में मूंगफली विक्रेता के धुएं से या उस आग से उत्पन्न प्रकाश से अपना व्यवसाय चलाता है। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. और दूसरी दुर्भाग्य enchantment कह सकते हैं यहाँ का ये है कि यहाँ पे municipal light का प्रकाश नहीं है या लाभ नहीं प्राप्त होता है। The place was lit up by shop lights. वह स्थान केवल दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित है। One or two had hissing gas lights. किसी के पास हवा भरने वाली गैस पंप्स हैं। Some had naked flares, किसी के पास दिया है, and some were lit up by old cycle lamps, या फिर किसी ने पुराने साइकिल के लैंप बना रखे हैं, लैंप के ट्यूब के से निकली हुई उससे बना रखे दिए। And one or two like the astrologers managed without lights of their own. और कुछ और दो एक दो ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजर की तरह बिना अपने पास की लाइट से ही काम चला लेते हैं। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। ये एक बिविल्डरिंग भ्रमण चक्र था बिजली का या प्रकाश का, जो किरणें यहाँ से वहां तक लोगों के चलने से की परछाइयों से मूव करती हैं। दिस सूटेड The astrologer very well, यह astrologer को बहुत suit करता था, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. उसका कारण यह था कि वो प्रारंभिक जीवन से astrologer नहीं था, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. और उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much stranger
टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। वो तारों से उतना ही तारों की गति से उतना ही अनभिज्ञ था जितना कि उसके साधारण कस्टमर्स। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज द एस्टोनिश्ड एवरीवन। फिर भी वो ऐसी चीज़ें कहता था जो लोगों को खुश करती थी और आश्चर्यचकित कर जाती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी। वो कह सकते हैं उसकी पढ़ाई के कारण, प्रैक्टिस अभ्यास के कारण एंड श्रीयुट गैस वर्क या तुक्का लगाने के कारण। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। या फिर कह सकते हैं किसी ईमानदार व्यक्ति का परिश्रम जैसा और व्यक्ति करते हैं। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और पूरे दिन परिश्रम करने के बाद जो भी उसे पैसा मिलता है वो अपनी पर डे की इनकम के अनुसार वो ले जाता है। वेजेस ऑन टाइम जो पैसा मिलता है उसे वेजेस कहते हैं। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने अपना गांव छोड़ दिया था बिना किसी पहले के विचार के और प्लान के। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वो लगातार वहां रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर। तो वो अपने पूर्वजों का काम अपनाता, नेमली जिसका नाम है टिलिंग द लैंड, लिविंग मैरिज एंड राइटनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। वो खेत जोतता, जीवन यापन करता, शादी करता, फसल को पकाता और अपने पूर्वजों के घर में रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन। ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles। उसे वो अपना घर छोड़ करके चला गया बिना किसी को बताए हुए और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने 200 मील पार नहीं कर लिया। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। एक विलेजर के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बीच में समुद्र में बाढ़ आ गई हो, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा हो इतनी फुर्ती से। लेट्स स्टॉप हियर। वी विल स्टडी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।